दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। एक छोटी सी बात, स्मॉल स्मॉल कंसिस्टेंट इफोर्ट वर्सेस बिग बिग इनकंसिस्टेंट इफोर्ट। एटॉमिक हैबिट एक किताब है जेम्स क्लियर द्वारा लिखा हुआ, जहाँ पे द ऑथर टॉक्स अबाउट द रेगुलर स्मॉल स्मॉल एक्टिविटीज बिहेवियर्स और द इफोर्ट्स that over a period of time wins the major game, whereas the inconsistent big big efforts doesn't give a good approach or a good result or outcome. हम अगर देखेंगे कि छोटे छोटे consistent efforts का advantage क्या होता है, हम daily basis में छोटे छोटे इफोर्ट्स कर करके हम क्या करते हैं, हम अपने डेस्टिनेशन की तरफ अगर जाने का कोशिश करते हैं तो उसमें क्या होता है कि हम एक तो आदत हो जाते हैं कि वो काम हमें डेली बेसिस में करना है, वो एक्टिविटीज हमें रेगुलर बेसिस में करना है। दूसरा वाला, जब हम डेली बेसिस में वो काम करते हैं तो हमारा जो डिस्ट्रैक्शंस है वो डिस्ट्रैक्शंस हमें डिफ्लेक्ट नहीं करते हैं, हमें डिस्टर्ब नहीं करते हैं, क्योंकि हम एवरीडे एक आदत पड़ जाते हैं कि हमें ये काम तो करना ही है। वेयर इज बिग बिग इनकंसिस्टेंट इफोर्ट, यहाँ पे क्या हो रहा है कि देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में द पर्सन इज जंपिंग 50 डिस्टेंस, देन अनदर 50, सो फ्रॉम 0 to 50 यहाँ पे जंप करने के बाद द पर्सन इज टेकिंग अ रेस्ट, देयर आफ्टर फिर 50 to 100 जाम करने का वो कोशिश कर रहा है, एक बार फिर 100 में पहुंच जाएंगे तो फिर अगेन वंस अगेन ही विल टेक रेस्ट, देन एंड सो ऑन। जब वो रेस्ट लेंगे, पॉज लेंगे, उस टाइम पे क्या होता है कि आपका काफी माइंडसेट क्या होता है, डेविएट हो जाता है, डिफ्लेक्ट हो जाता है, एंड हम क्या करते हैं कि अदर एक्टिविटीज में, अदर थिंकिंग प्रोसेस में, थॉट प्रोसेस में हमारा टाइम, एनर्जी एंड रिसोर्सेस इन्वेस्ट हो जाते हैं या स्पेंड हो जाते हैं, एंड हम अपने जो मेजर टारगेट है उसमें से हट जाते हैं। और हर इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड द पर्सन इज टेकिंग ए स्मॉल स्मॉल जंप ऑफ 10-10 पॉइंट्स, बट रेगुलर एंड कंसिस्टेंट। तो इनको ज्यादा इधर उधर सोचने का टाइम नहीं है, ही इज कंसिस्टेंटली एंड कंटिन्यूअसली फोकसिंग ऑन हिज ओन गोल। तो डेविएट होने का, मिसडायरेक्टेड होने का कोई सवाल ही नहीं है यहाँ पे। तो दिस पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन के थ्रू से व्हाट आई वांट टू मीन द डेली स्मॉल स्मॉल एटॉमिक हैबिट्स विंस ओवर द इनकंसिस्टेंट बिग बिग इफोर्ट्स। द एडवांटेजेस एज वेल एज द डिसएडवांटेजेस आर डिस्कस्ड हियर। सो आशा करता हूं आपको ये प्रयास अच्छा लगा होगा। आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद।